ये खबर है हिमाचल की राजधानी शिमला से, जहां पिछले 10 दिनों से पानी की लगातार बड़ी किल्लत चल रही है। पानी की इस किल्लत से शहर का हर तबका परेशान है। लोग किसी तरह से ड्रमों और गैलन में भरकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं, पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं लोग। शिमला आने वाले सैलानी भी यहाँ परेशान है, क्योंकि होटल वाले पानी का इंतजाम नहीं करवा पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह से टैंकर से पानी लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। बाल्टियां भर भर कर लोग अपने घर ले जा रहे हैं, लोग अपनी बाल्टियों को आगे कर रहे हैं। यहाँ पानी की ऐसी किल्लत है कि लोग पानी लेने के लिए दो दो तीन तो तीन तीन किलोमीटर तक दूर चल रहे हैं। हैंडपंप से भी पानी भरने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ है। तो पूरे शिमला में यही हाल है, पानी की किल्लत हर तरफ। और प्रदर्शन की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। शिमला नगर निगम के बाहर की ये तस्वीर है। लोग हाथ में एमसी शिमला मुर्दाबाद और एमसी शिमला शर्म करो लिखी हुई तख्ती लेकर आए हैं। पानी दो भाई, पानी दो, ये नारे वहां लग रहे हैं। खाली गैलन लेकर भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।